नमस्कार, मैं हूं कविता। राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और पुदीना पाउडर। यहाँ पर हमने आधा कटोरी काली मिर्च ली है। इसे आधा घंटा धूप में सुखाएंगे या एक पैन में लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, और मिक्सी के जार में डालकर इसको पीसेंगे। एयर टाइट डब्बे को धोकर धूप में सुखाकर उसमें ब्लैक पेपर पाउडर स्टोर करेंगे। हमारा ब्लैक पेपर पाउडर बनकर तैयार है। अब बनाएंगे चिली फ्लेक्स। लाल मिर्ची को धूप में सुखाकर क्रिस्पी करेंगे और इसकी डंडियों को तोड़ेंगे। आप कोई भी लाल मिर्च ले सकते हो। हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है। लाल मिर्च को मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड पर 1-1 सेकंड्स के लिए 3-4 बार चलाएंगे और हमारी चिली फ्लेक्स बनकर तैयार है। इसे एक बाउल में निकालेंगे। गरम मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून जावित्री, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 4-5 तेज़पात के पत्ते, 9-10 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून छोटी इलायची, 1/2 जायफल, 10-11 लौंग, 2 चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी। गैस पर एक पैन रखेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। पैन में जीरा और धनिया डालेंगे। लो फ्लेम पर 1-2 मिनट रोस्ट करेंगे। अब बाकी मसाले डालकर रोस्ट करेंगे करीब 1 मिनट के लिए। गरम मसाला ठंडा होने पर इसको मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। गरम मसाले को हम धूप में 1 घंटा सुखाकर भी पीस सकते हैं। गरम मसाला बनकर तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकालेंगे और एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करेंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 कटोरी जीरा लिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हो। जीरे को लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। जीरा ब्राउन हो चुका है। इसके ठंडा होने पर मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। जीरा पाउडर बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने 1.5 किलो कैरी ली है। कैरी को धोकर पीलर की सहायता से छीलकर तैयार करेंगे। सारी कैरी छील चुकी है। एक नाइफ की सहायता से कैरी के पतले पतले स्लाइस काटेंगे। पुरानी बेडशीट या कॉटन क्लॉथ पर कैरी को 3-4 दिनों तक धूप में सुखाएंगे और अमचूर को मोड़कर देखेंगे। टूटने पर मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। एक स्ट्रेनर की सहायता से अमचूर को छानेंगे।
अब बचे हुए अमचूर और साबुत अमचूर को मिक्सी के जार में डालेंगे। अमचूर को छानेंगे। इसी तरह सारे अमचूर को पीस कर छान कर तैयार करेंगे। हमारा अमचूर पाउडर बनकर तैयार है। सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को तोड़ेंगे। पुदीने को एक बर्तन में साफ पानी से दो तीन बार वॉश करेंगे ताकि पुदीने में जो मिट्टी है वो निकल जाए। पुदीने को स्ट्रेनर में डालकर दो तीन घंटों के लिए रखेंगे ताकि पुदीने में जो पानी है वो निकल सके, और पुरानी बेडशीट पर एक दो दिनों के लिए पुदीने को सुखाएंगे। धूप में पुदीने को ढककर आधा घंटे के लिए सुखाएंगे ताकि पुदीना अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसकी खुशबू और कलर ना जाए। पुदीने को मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। एक स्ट्रेनर की सहायता से पुदीने को छानकर तैयार करेंगे। हमारा पुदीना पाउडर बनकर तैयार है।